गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत वोरा। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, अपडेटेड टॉपिक, जो आपके पेपर वन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है CIET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस लेक्चर को आप बड़े ध्यान से देखिए, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आता है तो इसको पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में ही है, तो आप इसको अच्छे से करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर हम आपको सीधे ही डायरेक्ट लिंक जितनी वीडियो डालते हैं उसका दे देंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है अमन वोरा, vora.1007, ये मेरी फोटो है। फेसबुक के ऊपर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपको टाइप करना है अमन वोरा, ये मेरी फोटो लगी हुई, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो, ये हिंदी और मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसकी कीमत है 1200। आपको अपना नाम और पता हमें इस नंबर को ईमेल या सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको अपना नाम और फुल एड्रेस सेंड करना है, तो आपको बाकी जानकारी वहाँ दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के जो हम पुरानी वीडियो डाल चुके हैं पहले वाली, उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक, CIET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ना ही आपको किसी, शायद ही वीडियो में कोई आपको करवाए, तो आपको ये मैं टॉपिक कराऊंगा आपके लिए, टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके UGC NET पेपर वन के लिए। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि जो आपको टॉपिक मैं करवा रहा हूँ कि किसी बुक में है नहीं, तो ये सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल ही आपके सिलेबस में है, आपको ये करना पड़ेगा। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप पेपर देने जाते हो तो कई बार उसमें टॉपिक नए आ जाते हैं, तो टॉपिक बाहर से कुछ नहीं आता, आधा सिलेबस के अंदर से ही है। मैंने पूरा एनालाइज़ किया है सिलेबस को, तो उसमें काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए लग सकते हैं आपको, पर है आपके सिलेबस में। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है, देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना कुछ डाटा कहीं कैसे ढूंढ के लाते हैं, तो हम आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश चाहते हैं कि मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, आपसे सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आता है इसको पूरा देखिए, ताकि पेपर टू जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में, सभी जगह शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि जो हम वीडियो बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी, जो गरीब बच्चे हैं जो जिनको फ़ायदा है वो उनको फ़ायदा पहुंचेगा हमारी वीडियो से। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि जो पैसे नहीं भर सकते, बिल्कुल गरीब है, तो हमारी वीडियो देख के इसको पूरा करें कोर्स को, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 65 इंच की वीडियो देखिए, जब मेरी पहली वीडियो आई थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, वहाँ पे कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी हर वीडियो को उतना ही ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका सपोर्ट ही चाहिए और प्यार चाहिए। आप हमारी हर वीडियो को ऐसे ही शेयर कीजिए, ऐसे ही प्यार दीजिए जैसे आपने हमारी पहली वीडियो को दिया था टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो परसेंटेज को भी वैसे ही, जो मैथ वाली वीडियो आती है उसको भी ऐसे प्यार दीजिए, सभी को ऐसे प्यार दीजिए वीडियो को, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपनी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ, चलो, सपोर्ट मिल रही है। ठीक फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि सभी को फ़ायदा हो, इसलिए आप सभी को देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स कुछ ज़्यादा आप देखते ना कि मुश्किल है, आप देखिए कि अगर एग्ज़ाम ने 6 महीने पढ़े हैं, 5-6 महीने पढ़े हैं, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा, कहीं भी कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ आपको कराया जाएगा, तो आप बने रहिए। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, जैसे कि आपने पहले वीडियो को दिया था वैसा ही प्यार दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, हम भी आगे और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, हमारी कोशिश ऐसी है कि आपको कोई फीस लेके भी इतना बढ़िया नहीं करवाए जैसे कि हम आपको फ्री में करवा दें। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ही वीडियो को प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले CIET है क्या? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होगी। अभी देखिए इसको जानते हैं कि देखिए फुल फॉर्म आ गई CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप ऐसे याद कर लो। तो देखिए अब ये है क्या, CIET इज ए कॉन्स्टिटेंट यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT, NCERT की फॉर्म में यहाँ लिखी हुई है। अब ये CIET है क्या, कहते हैं कि जो CIET है ये NCERT की एक यूनिट है, एक इसकी ही शाखा है, यानी कि जो CIET है ये NCERT के अंदर ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन भी बनता है कि CIET किसके अंडर है, तो NCERT के अंदर है। ए ऑटोनोमस बॉडी
एन ऑटोनोमस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि MHRT मिनिस्ट्री के ये अंदर आता है। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस, एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो MHRD के अंदर आता है। तो देखिए, ये बना कब था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 84, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1984 में बनाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है CIET कब बना था, ये 1984 में बना था। विद द मर्जर ऑफ, किसको विलय करके बनाया गया, ये सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1973 में जो बनी थी ना, 1973 में देखिए कि सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बनी थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एक्ट्स बना था 1959 में, दोनों का विलय करके, दोनों को आपस में मर्ज करके, मिक्स करके आपस में इन्होंने CIET बनाया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि CIET जो किसके किन दो यूनिट से बनाए, तो बनाए वो सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1973 और डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स 1959 के सहयोग से आपस को मर्ज करके एक CIET बनाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कब बना था, 1984 में, ये दोनों के सहयोग से बना है, दोनों के मर्जर से बना है। अब देखिए, इट्स मेजर एम, अब CIET बना तो दिया, अब इसको क्यों बनाया आपको ये भी जानना जरूरी है। देखिए, इट्स का मेजर एम, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो इट्स मेजर एम इज़ टू प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बाय रेडियो, TV, फिल्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर मीडिया आइदर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन। यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको बढ़ावा देना है। क्यों बढ़ावा देना है? आप देखिए कि आजकल सभी के पास TV, घर में TV है, मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ है। अगर आपको वहाँ पे शिक्षा प्राप्त दे दी जाए तो आपको भी आसानी होगी, तो सरकार को भी आसानी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा ये है कि आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। देखिए, जब 1984 में बना था तब तो मोबाइल था नहीं किसी के पास, रेडियो, TV, फिल्म्स के जरिए में ऐसे ऐसे आपको TV में ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्राम दिखाया जाए, फिल्म ऐसे दिखाया जाए, रेडियो में ऐसे आपको पढ़ाया मतलब कि दिखाया जाए कि ताकि एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका मेजर एम क्या है? सिर्फ एजुकेशनल तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, किसके जरिए? रेडियो, फिल्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको बढ़ावा तो दे दिया। अब देखिए कि जैसे रेडियो, TV, फिल्में, सैटेलाइट हो गया, साइबर मीडिया हो गया, ठीक है, इसको ये रखा जाता है ताकि स्कूल स्तर पर जो शैक्षिक प्रक्रियाएँ हैं, जो शैक्षिक गुणवत्ता है, उसको बढ़िया किया जा सके। यानी कि देखिए, द इंस्टीट्यूट अंडरटेक्स एक्टिविटी टू वाइडन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रमोट इक्विटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एट स्कूल लेवल। यानी कि TV, रेडियो के, टेलीविजन माध्यम से आपको इन्होंने टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी दे दी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जो शैक्षिक संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर इसको स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। यानी कि जो अभी तक स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जो अभी तक वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना है। किसके लेवल पे? स्कूल लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सिंपल सी बात है, CIET क्या है, क्या ये कब बना था, 1984 में, किसके सहयोग से बना था, आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। दूसरी बात ये बनती है कि ये क्यों बनाया गया, क्योंकि स्कूलों की जो शैक्षिक प्रक्रियाएँ हैं, एजुकेशन जो प्रोसेस है स्कूलों में, उसको इम्प्रूव किया जा सके। यानी कि जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसको और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। इसमें किसका सहयोग होगा? इसमें सहयोग होगा TV, रेडियो, फिल्म्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ये छोटा सा टॉपिक था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। पर आप मेरी बात सुनिए कि आपको ये आप कभी मत समझिए कि मैं आपको जो भी कराऊंगा वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने हमेशा आपका ना माइंडसेट एक जगह पे है कि आपने जो भी बुक में पढ़ा है, ये जो भी बुक में होता है वही सिलेबस में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सिलेबस में बहुत कुछ है पर बुक्स में दिखाया नहीं होता। आप जो भी बुक्स उठाइए वहाँ पे उन्होंने सिर्फ MCQs के ऊपर ही जोर दिया है। MCQs आपको बहुत ज़्यादा दिए हैं, डाटा बिल्कुल कम दिया हुआ है, इसलिए आपको सब कुछ नया लग रहा है। ये नया कुछ नहीं है, आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम ऐसी तैयारी करवाएंगे, ना ही आपको कोई बुक्स में से मिलेंगी, ना ही आपको कोई चैनल पे करवाया जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बढ़िया से तैयारी होगी, आपका JRF आराम से हो जाएगा।
तो आपको विश्वास करना होगा, ठीक है, अपने आप पे भी, हम पर भी, हम आपको जो भी कराएंगे उसमें से आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। तो वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आते हैं तो उसको पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़्यादा बातें करने से आप भी बोर हो जाते हो, आई नो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो सभी को गुड लक।